बैठा हूँ नगर, जिसमें मैं खुद को और जो मैं सोचती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। एक सवाल पर एनालाइज कर लेना, मैं सोचती हूँ कि लाइफ को चेंज किया जा सकता है, लफ्ज चेंज यूज किए मैंने दो तीन लफ्ज में, चेंज 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 क्या होता है? तब्दीली, चेंज लोगों से चेंज, मिसमैच है, ये कंफर्म हो रहा है? हमने जो पहले आइडेंटिफाई किया था ये इसकी तस्दीक हो रही है कि हमारा तशखीस का अमल जो है वो ठीक चल रहा है, ऐसे ही है ना? जी, अब करें सवाल। आपने पहले जो काम किए और आप टाइम्स कर रही हैं तो क्या आप समझते हैं कि उनसे ये बेहतर काम है या इससे भी छोड़ के कोई और काम करना पसंद करेंगे? अब ये गाइडेड क्वेश्चन है कि इससे पहले आपने जो काम किए हैं आपको पता है कि उन्होंने काम किए? ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, अब बताएं क्वेश्चन क्या था? डिटेल में जवाब देने, चाहिए कि वो क्या है? आपने पहले जो काम किए हैं जो मैंने पहले काम किए उनसे नो डाउटली मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, देन ही नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के लिए नेक्स्ट किसी अपॉर्चुनिटी की फाइंड में निकल जाती थी, या मुझे लाजमन तौर पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन इंटरनली हो। ठीक, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, टुवर्ड्स के अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स मसाइल से बचने का एक हल मिल गया, नहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, टुवर्ड्स है। अच्छा, टुवर्ड्स। अच्छा, इससे पहले भी इन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ, मैंने इग्नोर कर दिया कि पता नहीं गलती से मुझसे निकल गया इनके, लेकिन इंटरनल था वो मैं सोचना, अब फिर उन्होंने यही बात की दोबारा, इंटरनल है ये जी। हाँ जी, और जहाँ तक बात है टाइम्स को छोड़ने की या इससे नेक्स्ट कोई प्लेटफॉर्म ढूंढने की, तो ये अब इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरफ से सेटिस्फाइड हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए नो डाउट नहीं मुझे और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। अच्छा, अभी इन्होंने ये बताया, इन्होंने कहा कि इंटरनल लिख दिया है तो मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है साथ, तो मैं इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, लेकिन साथ क्या कहा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरनल मैटर है कि एक्सटर्नल मैटर है? जितना मर्जी छुपा ले पता लग गया था। अच्छा देखिए, हमने सिर्फ कान खुले रखे, अब मुझे बताइए कि हमने एक अंदाजा किया, लिखा ये डिटेल है, ये मिसमैचर है, ये लिखा ना, उसके बाद हमने जो सवाल भी पूछा हमारी तशखीस को उसने वैक किया, उसने कहा बिल्कुल ठीक किया, उसकी तस्दीक ही हुई है, कंफ्यूजन तो नहीं पैदा हुई? एक बार उन्होंने कहा मैडम आपने किस सवाल पूछा था यहाँ से कि वो दो पैरामीटर्स में कैसे फॉल करता है, अब देखिए हमने कई सवाल पूछे इनसे, तो क्या डोमिनेटिंग फैक्टर जो है क्या ये उन्हीं के बारे में बात करती नहीं? जो हमने टिक किया उसी के बारे में बात की, कोई गलती निकली? कोई डाउट? एक मेल चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास एक जेंटलमैन है, इनसे भी हम वैसे ही सवाल करेंगे जैसे मैडम से किए थे, तो पहला सवाल वही मैं इनसे कर लेता हूँ, पहला
कि हमें अपने बारे में बताइए प्लीज। मेरा नाम अजंता लांगी गुजरा वाला। स्टेज पर बोलना बड़े मुश्किल कामों में से एक काम है। अच्छा जब आप स्टेज आ रही है ना आवाज आपके हाथ में माइक रहेगा। अच्छा बात होगा ये तो खैर कॉन्फिडेंट है, ये भी कॉन्फिडेंट थी कोई इशू नहीं हुआ। जब आप तजुर्बात करते हैं आप लोग लीडर्स है ना, बार बार मौका मिला स्टेज पे आने का, कई दफा ऐसा होता है जब आप किसी को तजुर्बे के लिए स्टेज पर बुलाते हैं तो जो कुछ वो होता है वो अंदर से निकल नहीं रहा होता, वो डरा हुआ बहुत होता है, वो डिटेल पर्सन होता है, उसके मुंह से बात नहीं निकल रही होती, तो आप समझते हैं कि ये जनरल पर्सन है। वो एक्सटर्नल होता है लेकिन वो बात चूंकि नहीं कर रहा होता, समझते हैं कि ये इंटरनल है, तो इसलिए आपको उसके ना जो वर्ड्स निकल रहे हैं साथ उसकी टोनैलिटी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है कि ये इनकी तरह शरारत तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जी अब जो है वो बताएंगे। जी दोबारा बताते हैं। जी मेरा नाम अल्लाहिता है, मैं गुजरांवाला से ताल्लुक रखता हूँ और रैंक मेरा 5 स्टार है। इसके अलावा मैं जैसे सुबह सर नवीद मुश्ताक साहब ने कहा था कि फौज में लगता काफी होते हैं, तो मैं भी फोर्स से रिटायर हूँ, पाकिस्तान फोर्स से 18 साल मैंने जॉब किए थे। बोलने देना जी उन्हें। हाँ ओके आपने ब्रेक लगवा दी। अच्छा जी अब आप लोग अपने सवाल पूछेंगे। आप फौज में क्यों गए? सवाल है आप फौज में क्यों गए? उस वक्त मुझे जॉब की तलाश थी, मैं जस्ट आफ्टर मैट्रिक गया था कराची में, मेरे एक थे रिलेटिव्स जो स्टील मिल में काम करते थे, मैं भी बेसिकली स्टील मिल में ज्वाइन होने के लिए गया था, लेकिन उस वक्त क्लोजिंग हो चुकी थी कि बत्तियाँ बंद थी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लो, मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा इन्होंने आपको उसका प्रोसीजर बताया है अपना सारा बात तक पहुंचने का कि इन्होंने ऑप्शंस बताए हैं? प्रोसीजर। अच्छा उसके बाद ये बताइए किसी के मशवरे पर किसी से इंस्पायर थे, किसके स्टील में गए, फिर वहां से भी उन्होंने ही मशवरा दिया, इंटरनल है तो करें सेमनेस कहां से आ गई, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल फैक्टर्स इन पे असर अंदाज होते हैं। जी और सवाल पूछे। आपको फौज की ट्रेनिंग अच्छी लगी यहाँ इस टाइम पे? डेफिनेटली टाइम्स 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 जिंदाबाद। होल्ड ऑन, ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? गुजरांवाला क्यों मशहूर है? खुश, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी खुश खुराकी की वजह से बॉडी बिल्डिंग पे ज्यादा तवज्जो देते हैं अपनी अर्ली एज में, यानी कि नौजवानी की एज में, इसलिए आप तो बोल लेने थे उन्हें बनते हैं इस वजह से जो है ना ये ऑल ओवर पाकिस्तान मशहूर है। अच्छा अब उन्होंने रोकने की कोशिश की, मैंने भी मैंने मुदाखलत की, वो बात आए उन्होंने जो कहने वो उन्होंने कह देने हैं, उन्होंने वो सारा कुछ है वो दे देना है, ऐसे ही ना। 4 दिनों में आपने ट्रेनिंग से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, अगर मैं पहले दिन से स्टार्ट करता हूँ तो आज तक पहुंचता हूँ तो मेरा ख्याल में ट्रेनिंग का हमारा का टाइम खत्म हो जाएगा, तो एक सिंपल लिख लेना, इससे भी मैं ताजा होगा कि ये क्या कुछ बताना चाहते हैं, कितना कुछ बताना चाहते हैं, टाइम की किल्लत, डिटेल है। एक मिनट मिस साहब यहाँ से सवाल है पहले। जी जी मिस नादिया, ये मरून कोट और ये क्यों पहना है? मरून कोट ये ऊपर क्यों पहना है? ये मरून क्यों? होल्ड कीजिएगा, अभी होल्ड कीजिएगा, जब मैं मिस नादिया का एनालिसिस कर रहे थे तो ये रिएक्टिव निकली थी ना, अब सवाल लेके मरून कोट क्यों पाया? सवाल भी देखा आपको, उनका जवाब के अलावा उनका सवाल भी बताता है कि वो कहां से खड़ी है, तो शीश दुरुस्त है, मैं अच्छा
चार कलर्स के कोट हैं जिनमें ये सबसे शो कलर है और इसमें मुझे लोगों की जो है ना वो ज्यादा पसंद का इजहार मिलता है कि आपको ये कलर सूट करता है इसलिए। अच्छा एक बात तो ये कि इनके पास चार कलर के सूट है ये बताना जरूरी है क्या जरूरी है जी? अच्छा फिर इन्होंने कहा कि ये कलर चूंकि शौक है मुझे अच्छा लगता है नहीं लोग अच्छे लगते हैं लोगों को अच्छा लगता है तस्दीक हो रही है आगे चले जी आप चले आप पूछते उसके बाद मेरे रहते बोले आप बोले बोले आपने जब टाइम्स की ओपीपी ली थी तो आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी थी जिस वजह से आपने इसको ज्वाइन किया था? नहीं मैंने टाइम्स की ओपीपी ओपीपी लेके ज्वाइन नहीं किया था मेरे स्पॉन्सर्स मिस्टर जवाहर भट्ट इज माय फ्रेंड मैं डिटेल से नहीं बताता हूँ। अच्छा एक मिनट ओपीपी ने इनपे असर नहीं डाला लेकिन किसके असर डाला मिस्टर जवाहर के जो फ्रेंड थे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं जी फिर आगे चलेंगे फिर तो मैंने उनसे ये लिखा कि अगर वो चेक ये प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मैंने उसको कहा कि अगर आप यहाँ पे काम करके चेक प्रोड्यूस कर सकते हो तो गॉड हैज गिवन मी मोर एबिलिटीज आई कैन आल्सो प्रोड्यूस तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करना चाहता हूँ क्या करूँ मैंने कहा कि तुम्हें मैं इसे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं क्या करूं और नहीं बाबा जी मैं क्या करूं वो क्या पूछ रहे हैं उसे हमारी तशखीस दुरुस्त थी जी फिर आपने कहा मैं क्या करूं तो उन्होंने फिर क्या कहा बस उन्होंने मुझे कहा 1600 रुपए निकालो मैं निकाल के दे दिए आप क्या करें जी हाँ जी ये फॉर्म फिलअप करें फॉर्म फिलअप किया ये सारी चीजें फिर क्या बता रहे हैं एक तो डिटेल बता रहे हैं लेकिन डिटेल में क्या बता रहे हैं उन्होंने कहा 1600 रुपए दो उन्होंने कहा फॉर्म फिल करो उन्होंने कहा ये करो हर चीज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आ रहा है फिर डिटेल आ रहा है दोनों चीजें बता रहे हैं जी आगे चले जी तो फिर मैं जाइन हो गया मेरा ख्याल था कि 8 बजे ज्वाइन होंगे जल्दी हो गए मैं हर बात पे यह सर करने का आदी नहीं था तो मैंने वो 18 साल जो है ना अपने क्या कहते हैं वो एक इंसान का इनम होता है ना उसके खिलाफ जंग लड़ते लड़ते मैंने गुजारी है। वहां पे मैं जो काम भी अच्छा करता था वो मेरे सीनियर्स जो थे ना वो क्रेडिट ले जाते थे। मैं आपको एक चले वाक्य शेयर कर देता हूँ फिर मैं डिटेल में आ जाऊंगा। प्रॉब्लम आ गया कि आईएफ आइडेंटिफिकेशन बिटवीन थ्रेड एंड फोर्क सिस्टम लगा होता है जहाज के ऊपर उसमें जो है ना हो नहीं रही थी रेक्टिफिकेशन नहीं हो रही थी तो तीन दिन और तीन रातों से जो जिससे वो डायग्नोज किया कि जब ये एयरक्राफ्ट गया था इंस्पेक्शन के लिए वहां पे उन्होंने लीडें जो थी ना वो उल्टी लगा दी तो यकीन करें कि 3 दिन और 3 रात खप के फॉल्ट ट्रेस किया और इसको ठीक किया उसका क्रेडिट जो था ना मेरा वो अफसर ऐसी ले गया तो इस बात पे जो है ना मैं नहीं तो इस वजह से भी जो है ना मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी जो है ना इस सर्विस के बाद और सर्विस नहीं करूंगा ये रीजन। अच्छा अब बताइए कि इन्होंने 3-4 बातें बताई ये क्या बताते हैं अवे फ्रॉम है क्या टूवर्ड्स है अवे फ्रॉम देखिए अगर ये फैसला भी किया इस वजह से किया कि इन्होंने मेरा क्रेडिट ले लिया मैं ऐसा नहीं चाहता इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ मैंने सैनी मुश्किल के खिलाफ काम किया मैं वैसा नहीं करना चाहता इसलिए ये काम किया रिएक्टिव भी और प्लस ये कि ये अवे फ्रॉम टूवर्ड्स की बजाय अवे फ्रॉम है इधर क्यों है अगर ये कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता अगर इसका चेक आ सकता तो मेरा क्यों नहीं आ सकता। देख रहे
पांच दफा वेरीफाई हुआ, दो दफा हुआ, दो दफा हमारा वेरीफाई हुआ, जो हमने इनके बारे में सोचा, जो हमने इनके बारे में असेस किया, क्या वो ठीक था? कहीं पे मिस्टेक हुई? तो हमें कोई टाइम लगा नहीं सर्च करने में? आपने दो तीन या मैक्सिमम पांच सवाल पूछे होंगे। पांच सवालों में मेजर क्रश जो है उनकी पर्सनैलिटी का आपके सामने आ गया। अब अगर इनसे बात करनी हो, इन्हें करवाना हो कुछ भी, तो इन्हें अगर शॉर्ट शॉर्ट किस्म की बातें करो, मुख्तर मुख्तर, इन्हें मेरी बात समझ आ जाएगी? मैं इन्हें बड़े बड़े ऑप्शन दूंगा, आपके प्रोसीजर को इन्हें बताऊंगा, तो ये बात समझ जाएंगे मेरी? ये बाकी भी इस तरीके से मामला आता है। इसका मतलब है कि सिर्फ हम दूसरे आदमी को खुले कानों से सुनते नहीं है, और हमें ये पता नहीं कि सर्च कैसे कर रहे हैं। अब चूंकि ये आपके पास छह फिल्टर आ गए हैं, अगर आपके जहन में ये हो जैसे कैसे बंदा बोल रहा है, जैसे कैसे बंदा बोल रहा है, आप उसके मुताबिक जहन में उसे सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, उससे बात करना आसान हो जाएगा। मैं फैसलाबाद में ट्रेनिंग करवा रहा था, एक टीम की स्टेट लाइफ की टीम थी, उस ईयर में उन्होंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था, कुछ 6 करोड़ की डेवलपमेंट, 7 करोड़ की सेल की थी उस अकेले बंदे की टीम ने स्टेट लाइफ की। उन्होंने उससे पहले की ट्रेनिंग की थी मेरे से उस साल में, मैंने उनसे बाद में मुबारकबाद दी, मुझे शुक्रिया अदा करने जब आए, मैंने उनसे पूछा कि इसमें स्ट्रेटेजी आपने क्या अपनाई, कहते जी आपसे ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने कहा मैंने तो सीएस की ट्रेनिंग नहीं करवाई थी, तो कहते हैं कि ये वाली ट्रेनिंग ली थी, मैंने कहा इसमें आपने क्या किया, वो कहते हैं कि हम हर क्लाइंट से जब मिलते थे ना, तो हम उसकी फाइल बनाते हैं, स्टेट लाइफ वाले आपको पता है उसकी ना, उसकी फाइल के ऊपर वो इतना सा एक कार्ड एक टैग लगा देते थे कि ये बंदा डिटेल है, ये प्रोसीजर है, ये ऑप्शन है, ये चीज है। अब 6 महीने के बाद ये फॉलो अप कर रहे हैं, जब बैकअप कर रहे हैं, जब उसे फोन कर रहे हैं, जैसी फाइल सामने आती थी ऊपर लिखा होता था कि ये बंदा ये चीज है, वो उसे उसके मुताबिक गुफ्तगू करते थे। फॉरन बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें भी आपने देखा आपसे 2-4 सवाल करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, अच्छा आपकी एजुकेशन क्या है, अच्छा आपकी फैमिली लाइफ कुछ भी इस तरह का, तो बेशुमार बातें तो आपको फॉरन ही पता लग जाती हैं। लेकिन आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे एक एक क्लाइंट मिलियन डॉलर का क्लाइंट है आपका, उसमें अगर आप उस पर 15-20 मिनट या आधा घंटा उस पर इरादा भी स्पेंड कर लें, प्रेजेंटेशन देने से पहले एक अलग सेटिंग उससे कर लें, 20-25 मिनट उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टाइम स्पेंड कर लें, तो मेरा ख्याल कोई बुरा नहीं है इसमें, फायदा ही होगा आपको इससे, ऐसे ही है ना? जब आपको उसके पता लग जाएगा कि उस आदमी के हॉट बटन्स कौन से हैं, कौन सा बटन प्रेस करूंगा, ये प्रेस करूंगा तो काम चलेगा कि ये क्या चलूंगा प्रेस करेगा, ये बटन प्रेस करना है कि ये बटन प्रेस करना है, जब आपको इस बात का पता लग जाएगा तो उसे मोटिवेट करना, उसे ज्वाइन करवाना, उसे सिस्टम में लाना, उसे रनिंग में लाना आसान होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब आगे एक और मसला पेश आ जाता है, आप उसे ज्वाइन भी करवा लेते हैं 1-to-1 पे, अब आप लोगों को ऐसे चांसेस मिलते हैं जहां जिस तरह अभी आप लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, ऐसे बेशुमार लोग बैठे होते हैं, अब 150-200 लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि हमने एवरेज फर्ज की 50% फर्ज कर लिया कि 50% एक तरह के हैं, 50% एक तरह के हैं, तो ये तो अब 12 मुख्तलिफ फिल्टर्स हो गए ना, 6 एक तरह के 6 एक तरह के, इसका मतलब है कि आप में से कोई एक आदमी भी सेम नहीं है। अब मैं आपसे कैसे बात करूं कि आप में से हर बंदा समझे कि मैं आपका हूं? अगर मैं बात कर रहा हूं टूवर्ड्स की, अगर मैं टूवर्ड्स की बात कर रहा हूं, अपनी प्रेजेंटेशन देखें, जो आप ओपीपी देते हैं वो टूवर्ड्स बनी हुई है कि वे फ्रॉम बनी हुई है? दोनों तरह के लोग बैठे हुए, आप क्या करेंगे? या आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके अलावा भी आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सिस्टम की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं, मेरी तरह की स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग डिफरेंट तरह के बैठे हुए, आप क्या करें? आपके 150 लोग तो मुख्तलिफ हैं, मेरे तो अपने फिल्टर्स हैं, मैं अपने फिल्टर्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन क्या आप में से हर शख्स ये नहीं समझ रहा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ? Why? इसलिए कि एक तरफ से एक एस्पेक्ट, दूसरी तरफ से दूसरा। Yes, अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे स्पीकर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रेजेंटर्स इस क्वालिटी के हमल होते हैं, खाबो उन्होंने जानबूझ के पैदा की हो या उनमें इनबॉर्न हो, वो क्वालिटी ये है कि वो कॉन्शियसली एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर में स्विच करते हैं, हेल्दी लाइफ की बात करते करते बीमारियों से बचने की बात करते हैं। ये टूवर्ड और अवे फ्रॉम की एक और मिसाल देता हूँ कि कुछ लोग सेब इसलिए खाते हैं कि सेहतमंद रहे, कुछ लोग सेब इसलिए खाते हैं कि बीमारियों से बचे, बात एक है लेकिन ड्राइविंग फोर्स का फर्क है, मंजिल एक है लेकिन कुछ लोग बीमारियों से बचने के लिए कर रहे हैं, कुछ सेहत के लिए कर रहे हैं, कोई काम इसलिए करते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारे, कुछ इसलिए करते हैं कि बुरी जिंदगी से बचे, मंजिल एक है, ड्राइविंग फोर्स का फर्क है। तो अच्छे ट्रेनर्स इस चीज के माहिर होते हैं कि कॉन्शियसली कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर यूं स्विच कर रहे होते हैं मुसलसल कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये जान के कर रहा है, और हर शख्स भी समझता है कि ये मेरे मतलब की बात कर रहा है, कहीं पर तफसील फराहम की जा रही है, कहीं पे मुख्तसर बात की जा रही है, कहीं पर रिएक्टिव मोड में बात की जा रही है, कहीं पे प्रोएक्टिव अप्रोच सुनाई जा रही है, कहीं पे इंटरनल बातें की जा रही है, सेटिस्फेक्शन की, खुशी की, सुकून की, कहीं पर अचीवमेंट्स की बातें की जा रही है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो
अच्छा ट्रेनर जो है इन सबके अंदर कॉन्शियसली स्विच करता है, और ये ज्यादा लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ एक हफ्ता कॉन्शियसली इस बात पे देंगे, जब किसी आदमी से बात करें आपने ये एनालाइज करना है कि उसके फिल्टर्स कौन से हैं, आपको पता लग जाएगा उसके फिल्टर्स कौन से हैं, आपको आदत हो जाएगी उसके ना प्रैक्टिस की। फिर अगली आप आदत ये करें कि उसके जो फिल्टर्स हैं उनके मुताबिक उससे बात करें। जब आदमी से बात कर रहे हैं, अगर वो परेशानियों की बात कर रहा है तो आप परेशानियों से बचने की बात करें, अगर वो गोल्स की बात कर रहा है तो अचीवमेंट्स की बात करें, वो सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है तो आपकी सेटिस्फेक्शन की बात करें, उसे भी ये ना कहें कि लोग तालियां बजाएंगे, उसे भी इंटरनल की बात करें। और ये 10-15 दिन की बात है, इसमें कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है कि आप पहाड़ पर जाएंगे एक टांग पर खड़े होकर चिल्ला काटेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कोई चक्कर नहीं, चिल्ला काटे बगैर ये मामला हो सकता है। ठीक है, और कोई सवाल? नो क्वेश्चन, चले मर्जी आपकी, इसका मतलब है कि आपको आ गया। चले फिर मैदान में आए, मतलब चले पहले बंदी आ जाए। अब देखें, मैं अपने अक्सर सेमिनार्स में एक बात बताता हूँ, आप में से भी कोई भी ना उठे पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद फैसला करें कि किसने उठना है। कौन, मैं अक्सर बताता हूँ तो ये बात अगर रिपीट भी हो रही है तो सुन ले, कॉन्फिडेंस के बारे में 1000 किताबें पढ़ के उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जितना 10 मिनट के लिए स्टेज पर आने से मिलता है। अच्छा, अब आपसे जब कहते हैं ना कि कोई एक वॉलंटियर का चाहिए कि स्टेज पर आए, बल्कि ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि आप दूसरे का कंधा पकड़ के नीचे खींचे के खबरदार लेने जाना है, मतलब लड़ाई हो रही है वापस लेके लेने जाना है, ये उल्टा हिसाब चल रहा है। ये क्या बात है कि जो आप चाहते हैं कि लेने हैं वो लेने की बारी आती तो तैयार नहीं है। हाल आपका ये है माजरत के साथ, सबका जो कहूंगा जो नहीं आता उनका कहूंगा, आप सबको कॉन्फिडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए ना, लेकिन ये जबान से चाहिए। अभी मैं जब सुबह दोस्त के पास था, उन्होंने मुझे एक पुराना लतीफा नए तरीके से सुनाया। वो कहते हैं कि एक साहब थे, वो पहाड़ पे स्लिप हो गया उनका पांव, रात का टाइम था, वो गिरते 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 टकरे मारते मुड़ते गिरते नहीं एक हाथ में आती उनके, अब वो पकड़ के लटक गया उसके साथ, अब वो चीखे मार रहे हैं कि मुझे बचाओ, पता नहीं कितना और लेके जाना पड़ेगा, सर के बल गिरूंगा, कहाँ जाऊंगा, कुछ भी होगा। तो उन्हें गैर से आवाज आई कि तू टैनी को छोड़ दे, जमीन सिर्फ 3 फुट दूर थी ना, उसे नजर नहीं आ रही थी। कैब से आवाज आई कि टैनी को छोड़ दे, उन्हें जमीन नजर नहीं आ रही थी, उन्होंने पूछा तुम कौन हो, आवाज आई मैं रब हूं, उन्होंने कहा कोई और है। यकीन की सक्सेस की जब मैं तरीका बताता हूँ तो कहते हैं कोई और है, तू चला जाओ भाई, तो भाई आपने से याद है किसी ने जी, कोई एक परंटी है चली, दो नहीं फीमेल्स दाढ़ी वाली पहले फीमेल जी, दो खड़ी हो गई हैं, चले आप बताइए क्या आप आ जाए, चले कोई एक नोट तरीके दे जहाँ पे आएंगे उधर ही खड़े हो, इधर खड़े ताकि ये नजर ना आए। ओके, हम एक एक्सरसाइज करवाने लगे हैं, आगे बुलाएंगे उधर ही आगे आ जाएंगे। अभी ये एक्सरसाइज है, फर्ज किया हमने एक आदमी से बात की, हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई से ये किया था ना, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी टॉवर्ड पर्सन है, मिसमैचर है, इंटरनल है, डिटेल्ड है, ऑप्शन पसंद करता है और प्रोएक्टिव है, ये आदमी की ये क्वालिटीज है। इस आदमी को मेरा नाम दिया सुमेरा, मिस सुमेरा ने ये मार्कर सेल करना है और ये फिल्टर्स हैं, तो अब इन्होंने ये प्रेजेंटेशन इन फिल्टर्स के अंदर रहते हुए देनी है ना, प्लीज सब आए, ये माइक है, माइक तो ये मात्र आपने सेल करना है, इधर हो जाए और इधर हो जाए ताकि आपको वो नजर आते रहे, इसे देख लें स्क्रिप्ट को, अपने जहन में बना लें स्क्रिप्ट इन फिल्टर्स के मुताबिक, फिर आपने इसके मुताबिक प्रेजेंटेशन देनी है। ये बहुत अच्छा मार्कर है, ये जो मार्कर है ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये इसकी बेहतरीन क्वालिटी ये है कि बहुत सॉफ्ट लाइनर है, ठीक है, और इसको आप यूज करेंगे तो आपके पेजेस जो हैं वो खराब नहीं होंगे, बल्कि आपके पेजेस खराब नहीं होंगे। मैडम का पता लग गया कि ये क्या है, उससे इससे गर्ज नहीं है कि ये खराब नहीं होंगे, उससे यह कि आपके पेजेस सेफ रहेंगे, बात तो एक ही है ना, लेकिन पेजेस खराब नहीं होंगे, नॉट इंप्रेसिव फॉर हिम, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पेजेस सेफ रहेंगे, महफूज रहेंगे, यही होना चाहिए ना, नीट क्लीन रहेंगे। और अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको कोई और मार्कर यूज करने की जरूरत नहीं है,
अच्छा चले अभी देखें पीछे क्या चीजें बाकी हैं। आप तैयार हो जाएं। अभी आप ही डिपेंड करता है कि आप इसको रेकमेंड करते हैं या मार्केट के मार्केट को। पता नहीं आप बताएं। मैं नहीं बोलती आपसे। सर झुकाई मैडम आ जाएं। जी आपका नाम क्या है? नाइमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने ये सिस्टर एंड ब्रदर्स आपके सामने ये मात्र इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मात्र है, आप जब से यूज करेंगे और जब आप लिखेंगे लिखते हुए इसकी जो राइटिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट है, आपको बहुत सॉफ्ट फील होगा और लिखते हुए इसमें किसी भी किस्म की कोई रुकावट जो है वो नहीं आएगी। इसकी इंक जो है वो बहुत फ्लो से चलेगी, रुकावट नहीं आएगी। दूसरा फिक्र ठीक है जी, चले। और ये है कि इसकी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और सेकेंडली इसकी राइटिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा है और इसका जो राइटिंग जो इसकी जो राइटिंग स्टाइल है सर उसको क्या बोलते हैं, ग्रिप बहुत सॉफ्ट है। इससे जो आप वर्ड्स लिखेंगे उनमें जो थिकनेस है वो नहीं होगी, वो बहुत थिन लिखेगा ये। और ये इसको अगर आप यूज करेंगे एक फ्लो से ये चलेगा और इसको यूज करते अगर आप आई थिंक हो गया है, इंटरनल भी हो गया है, डिटेल भी हो गया है और वर्ड्स भी हो गया है। अब ये लोग जज करें। यहाँ से तैयार है, पक्की बात है, आ जाएगा। लेकिन ये है फिर आपके लिए, एक मिनट लें इसे स्टडी कर लें, ये मत कर लें। मैं आपको एक मार्कर सेट करना चाह रहा हूँ और ये मार्कर बहुत जबरदस्त है, मार्केट में इस तरह का मार्कर आपको कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस मार्कर की राइटिंग इतनी जबरदस्त है और इतनी मार्केट में आपको ऐसा कोई मार्कर नहीं मिलेगा, लेकिन वो बंदा एक्सटर्नल है, उसे इसका एविडेंस चाहिए। इसकी इन्होंने कहा खराब नहीं है, वो सॉरी बहुत अच्छा है इन्होंने कहा, वो टूवर्ड्स नहीं है, वो तो अवे फ्रॉम है। आप क्या करें, ये प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा देखिए जरा। ये बहुत जबरदस्त मार्कर है और इस जैसा क्यों है इसके मुकाबले इनका पता लग गया कि फिल्टर्स किए हैं टूवर्ड्स। इसके मुकाबले में दूसरे मार्कर इतने अच्छे नहीं है और ये मार्कर जब आप यूज कर रहे होंगे तो जो इसकी जो इतनी अच्छी बनावट है, इतनी जबरदस्त बना हुआ है, जो भी इसको देखेंगे वो बड़े लोग आपको आपसे पूछेंगे कि ये मार्कर आपने कहां से परचेज किया। ये फिर टूवर्ड्स की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, एक्सटर्नल तो जा रहे हैं पर साथ टूवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, साथ टच टूवर्ड्स हो रहा है। चले और जरा सोच ले इस टाइम में, ये मार्कर जो है इस जैसा मार्कर आपको मार्केट में और कोई नहीं मिलेगा। बाकी मार्कर है लेकिन ये उनसे बहुत अच्छा है और ये जब आप इसको यूज करेंगे तो इसकी बनावट इतनी प्यारी है, इसका स्टाइल इतना अच्छा है कि जो भी देखेगा वो इसको दूसरों से बेहतर पाएगा, ठीक है। और बाकी तो इसके मार्कर के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो ही हैं सारे और इसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स आपकी जैसे ये लॉ फॉर्म है, इस तरह की और भी फॉर्म्स को हमने ये मार्कर मार्केट में बेचे हैं और उन्होंने इसको बड़ा लाइक किया है। और ये मार्कर्स ये देखिए टूवर्ड्स फॉर्म से नीचे नहीं उतर सके ना, बनावट अच्छी है, बनावट प्यारी है, मार्कर अच्छा है ना, ये इसे बाहर ही निकल सके आगे। अपने फिल्टर पे काबू पा के दूसरे के मुताबिक बात करना, दुनिया को दूसरे के चश्मा लगा के दूसरे का लेंस लगा के देखना, ये क्वालिटी है। अब मुश्किल नहीं है तो 5-7 दफा की प्रैक्टिस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।
आप सब लोग मार्केट यूज करते होंगे? करते हैं? अच्छा, आप लोग जो मार्केट यूज करते हैं उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक्सीलेंट स्टार्ट स्टार्ट प्रॉब्लम से किया इन्होंने जी। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो उसकी इंक बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ये बोर्ड मार्कर है मेरे हाथ में, बोर्ड के ऊपर जैसे लिखना शुरू करते हैं 5 मिनट 10 मिनट के बाद जो है वो इंक खत्म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अक्सर मार्कर इस तरह के होते हैं कि उसमें इंक हाथों पे लगना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपके हाथ भी गंदे हो जाते हैं। हम आपको एक ऐसा मार्कर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो इस वक्त जो है वो हमारे तकरीबन इस मुल्क के अंदर 5,25,615 यूजर जो हैं वो इसको पसंद कर चुके हैं और खरीद चुके हैं। एक्सीलेंट। अब इसमें आप लोग जो है इस मार्कर को अगर देखें तो कलरफुल है, बेहतरीन मार्कर है और इसको यूज करने से आप उन सब परेशानियों से बचेंगे जो अब तक आपको मार्कर यूज करने में फेस करना पड़ी है। अच्छा, इसको परचेज करना बहुत ही आसान है। आप अपनी मार्केट में कहीं पर भी जाएंगे और हर बुक शॉप पे अवेलेबल है। इस वक्त आप अगर परचेज करना चाहें तो बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 रुपए का मार्कर है जो कि इस कीमत में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है ये और यहाँ पर अवेलेबल है, चंद मार्कर है मेरे पास। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप यहाँ से आके मुझसे परचेज कर सकते हैं। आप यही कहती है, अगर आप होती तो कहती है लेती है तो लाएंगे तो जाए बैठे। अब इसको इसकी प्राइस मैंने आपको बताई सिर्फ 10 रुपए। अब अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं और इतनी औकात है आप लोगों की, अच्छा इन्होंने सेल का प्रोसीजर बताया कि कैसे कैसे मिल सकता है, इसके बनने का प्रोसीजर भी बताया जा सकता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसीजर बताया जा सकता है, तो कैसे भी है, लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम में वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है, अच्छा ये 10 रुपए वाले मार्कर जो है अगर 10 रुपए में 1 लाख मार्कर दिलवा दीजिएगा मैं तो यहाँ बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अच्छा आपने देखा कि आइडेंटिफाई जब मैंने कर लिए पहले 2 बंदे बुला के, अब हमने 2 एक्सरसाइज की कि जब उसकी आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। आपने देखा एक तो फ्लो नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना। दूसरा जो हमारा अपना फिल्टर है उस फिल्टर को छोड़ के दूसरे के फिल्टर को अडॉप्ट करना बड़ा मसला है, स्विच करना मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ चंद घंटों का चंद दिनों की मुश्किल है। इस बारे में डिसाइड होने के वो मैं स्टेज पर गया था तो मुझसे तो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मैं इस काबिल नहीं हूं। नो, पहली दफा में शायद कोई भी आए तो वो ऐसा ही करे, ऐसे हो सकता है ना। इसलिए फर्स्ट टाइम है, परेशानी की बात नहीं है। आपने देखना है अगर एक साहब आए हैं पहली दफा में, इन्होंने 60-70% मतलब बहुत अच्छा किया, इट मींस कि आप 2 दिन बाद वैसा करने लग जाएंगे, वो 2 दिन बाद और बेहतर हो जाएंगे। तो इस चीज को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद प्रेजेंटेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रोस्पेक्टिंग करना, क्लाइंट से मिलना, सेल्स करना, इधर के घर के मामला, मियां बीवी के मामला, बहन भाई के मामला, बाकी जो फैमिली के रिलेशन है उनके मामला, जब आपको दूसरे के फिल्टर्स का पता लग जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है, बेसिकली थिंकिंग स्टाइल का फर्क है। जो आप पता लग जाए कि ये बंदा ये बात क्यों कह रहा है, उससे बात करवाने के लिए उसके तरीके से बात करेंगे तो आपकी बात मान लेगा। ऐसे ही ना जी, आखिरी मौका दे रहा हूँ सवाल, पक्की बात है जी, नहीं जरा से चले जी, आखिरी जो है इसके आपकी फीडबैक दे जी। जब दोबारा करेंगे तो चेंज हो सकता है।
हाँ जी ये यही गलती है ये है बिल्कुल यही प्रॉब्लम है हाँ क्योंकि हम लोग जो सोच के जाते हैं देखे कभी ड्राइविंग किया आप लोगों ने क्या कभी घर से सोच के ड्राइविंग करने निकले हैं कि मैं 2 किलोमीटर के बाद रेस दूंगा फिर यूं करूंगा फिर यूं करूंगा इशारे आते हैं ट्रैफिक आते हैं उसके मुताबिक ट्रैफिक के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है सक्सेस की रोड पे ट्रैफिक और चल रही है ट्रैफिक के मुताबिक अपने सक्सेस व्हीकल को आपने रोड के मुताबिक एडजस्ट करना है कभी तेज करना है कभी स्लो करना है कभी साइड से निकलना है ये अपने वक्त के साथ चेंज करना है अपने आप को अगर आप अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आएंगे तो आगे तब्दीली नहीं आएगी किसी और ने आज किया था सर कुछ लोग इससे क्यों होते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी होती है उनको अपने आप का उनको नहीं पता होता और वो फिल्टर्स अपने बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे होते हैं उन लोगों के बारे में क्या कहें नहीं ऐसा नहीं होता उन्हें पता ही अगर उन्हें पता ही नहीं तो कैसे चेंज कर सकते हैं होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में उनके फिल्टर डिफरेंट होते हैं जैसे कि मैंने अपनी मिसाल दी कि फैमिली मैटर्स में आई एम इंटरनल इन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स मैं एक्सटर्नल हूँ तो वो सिचुएशन की बात है अब आपने बाइंग की बात करनी है अब आप मुझसे पूछते हैं मिसाल के तौर पे कि आपने ये गाड़ी मैं गाड़ियों का एक सेल्समैन हूँ मैं आपके पास भी गाड़ी है अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने जो अपनी लास्ट व्हीकल था जो लास्ट गाड़ी थी आपकी वो आपने कब खरीदी आप बताएंगे मैं 3 साल पहले खरीदी अच्छा जब खरीदते हुए किन चीजों को सामने रखा आप कह रहे हैं यार एक तो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करती है ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल ना करती हो आपने ये नहीं कहा कि गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट हो आपने कहा गाड़ी ज्यादा फ्यूल ना कंज्यूम करती हो मुझे पता लगा कि ये है ना अच्छा मार्केट की रीसेल किया लोग उस बारे में मार्केट में उस गाड़ी के बारे में लोग क्या कहते हैं आपने ये भी बता दिया ठीक है कि नहीं अच्छा फिर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट में उसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं हर जगह उसकी चीजें अवेलेबल है कि नहीं ये देख रहे हैं कि नहीं सारे का सारा ठीक है कि नहीं अच्छा उसके बाद यह है कि वो कार इंपोर्टेड गाड़ियां भी आ रही है पाकिस्तान में आजकल लोकल गाड़ियां भी आ रही हैं पर लोकल गाड़ी क्योंकि यहाँ पर बनती है हमें पता है कि किस तरह की गाड़ी बन रही है पार्ट्स कहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पर भी अवेलेबल है हमें उन चीजों का सारे का सारा हम काम कर रहे हैं अब आपको इन चीजों का मुझे पता लग गया अब मैंने आपको गाड़ी ही शेयर करनी है अब मैं आपको यही बताऊंगा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है अब उस गाड़ी में सेफ्टी बैग्स लगे हुए हैं एयर बैग्स लगे हुए हैं ना अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपकी सेफ्टी के लिए एयर बैग्स लगे हुए हैं एक्सीडेंट की सूरत में आपकी जिंदगी के तहफ के लिए सेफ्टी बैग लगे हुए हैं क्योंकि आपको एक्सीडेंट से डरा के सेफ्टी बैग वाली गाड़ी बेची जा सकती है आपको सेफ्टी की बात करके नहीं अब मैंने आपको कार की बाइंग का डिसीजन पूछा आपने वो कार की बाइंग में आपने फिल्टर्स को ये बता दिए अब मैंने जब कार सेल करनी है मैंने उन फिल्टर्स के मुताबिक सेल करनी है तो हो सकता है कि जब वो बंदा कपड़े खरीदता हो तो उसके फिल्टर्स भी और या जब वो दोस्त बनाता हो तो कोई और हो तो उस सिचुएशन के मुताबिक पूछना है आपने उससे जी जी मैंने अब तो बताया कि उसका डोमिनेटिंग फिल्टर एक होगा लेकिन अगर आपकी बात को फर्ज किया मान लिया जाए तो आप दोनों बातें कर लें हेल्दी लाइफ गुजारेंगे बीमारियों से बचेंगे ठीक हो गया ना उसमें तो कोई इशू नहीं है अच्छा जी ठीक है अच्छा जी ये एक फीडबैक है ये शहर का जो आपका नाम है इस्लामाबाद की ट्रेनिंग हो रही है इस्लामाबाद लेंगे अच्छा प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई दफा आप लोगों को मैसेजेस नहीं मिलते ट्रेनिंग के लीडर ने बता लिया मुझे यही हो रहा है ना बस का तो इसका हमने हल ये निकाला है कि एक तो हमें इसका आपका फीडबैक मिल जाता है दूसरा जब आपका नंबर हमारे इस मैसेज पर आ जाता है तो ये नंबर पर फिर हमारी कंपनी जो है आपको ट्रेनिंग का मैसेज सेंड कर देती है तो आपने पहली बात सोची कि ट्रेनिंग को ग्रेड कैसे किया शहर का नाम लिख के आपने एक्सीलेंट या वेरी गुड या पुअर जो भी अपग्रेड करते हैं ये भेजें हमें पता लगेगा कि आपकी क्या राय है इस नंबर पर भेजेंगे आप है जी हो गया जी काम उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा थैंक यू वेरी मच मिस्टर अभिषेक का ये रहे ऑफिशियली क्लोज कर देते हैं Thank you.